अस्सलाम वालेकुम, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनीमिया इन प्रेगनेंसी। सो इसका स्नैरियो देख लें। ग्रेविडा 4 पैरा 3 प्रेजेंट्स एट 26 वीक्स ऑफ जेस्टेशन विद अ हीमोग्लोबिन रिपोर्ट ऑफ 7 ग्राम पर डेसीलीटर। सो हीमोग्लोबिन उसका क्या हो गया, कम हो गया, और मल्टी पैरा भी है। रेड सेल इंडेसिस हमने करवाए हुए हैं, कौन कौन से देख लें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस आपसे पूछी जाती हैं तो फिर आपने ये लिखनी होती हैं। सो एमसीवी उन्होंने करवाया हुआ है तो वो कम आया हुआ है। एमसीएच करवाया है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, तो वो भी कम है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है तो वो भी कम होगी। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर शोज द माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, उन्होंने खुद ही बता दिया। सो देन इज सीरम फेरेटिन, सीरम फेरेटिन लेवल उन्होंने करवाया हुआ है, और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई हुई है टू रूल आउट द सिकल सेल और थैलेसीमिया, तो वो नॉर्मल है। मींस उसको सिकल सेल या थैलेसीमिया वगैरह नहीं है। सो व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस इन लिस्ट द स्टेप्स ऑफ योर मैनेजमेंट प्लान। सो ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। देन देखें, 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल इन हर फिफ्थ प्रेगनेंसी is seen in the antenatal clinic at 20 weeks gestation. Multipara में ज़्यादा common होता है ना। Hemoglobin concentration on routine blood test reveals the hemoglobin to be 7.2. So what is your diagnosis? Again investigations उन्होंने पूछी हुई है और management पूछा हुआ है। Then is a woman of gravida 8 para 6, एज कितनी है 35 ईयर्स, प्रेजेंट्स इन द एंटीनेटल क्लिनिक एट 24 वीक्स विद हीमोग्लोबिन ऑफ 8.5। शी रिपोर्ट्स लेथार्जी एंड ईजी फिटिगेबिलिटी विद ऑन एंड ऑफ पैल्पिटेशंस। अब इस वाले सिनेरियो में आपको उन्होंने साइंस एंड सिम्टम्स भी बता दिए हैं एनीमिया के, आयरन डेफिशिएंसी के, लेथार्जी ईजी फिटिगेबिलिटी, पेल्पिटेशंस भी हैं। कार्डिक डिजीज इज़ रूल आउट बाय द कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब उसकी कोई कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट विल बी द मेन प्रॉब्लम ऑफ द लेडी एंड हाउ इट विल बी मैनेज्ड। देन ग्रेविडा 2 पैरा 4 प्लस 2 हैज़ प्रेजेंटेड इन द लेबर रूम एट 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन विद कंप्लेंट्स ऑफ अगेन द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सारे आपको साइंस बताए हुए हैं, टेकिकार्डिया, वीकनेस, ईजी फेटिकेबिलिटी। अब ये क्या होते हैं साइंस, ये सब कुछ हमने मेडिसिन में पढ़ लिया, वह क्यों आते हैं आयरन डेफिशिएंसी के टॉपिक में। यहाँ पे हम प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज देखेंगे। सो नेक्स्ट इज़ हर पल्स इज़ 106, मतलब पल्स हाई हो जाती है ना ब्लड लॉस की वजह से, एंड ब्लड प्रेशर जो है उसका 110/70 है, थोड़ा सा रिड्यूस्ड है। पैलर इज़ पॉजिटिव। सो व्हाट विल बी द डीडीज। और उन्होंने रिस्क ऑफ एनीमिया टू द मदर एंड फीटस पूछे हुए, इन्वेस्टिगेशंस पूछी हुई हैं। देन देखें, ग्रेविडा 6 पैरा 5 प्लस 1 केम एट 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन विद कंप्लेंट्स ऑफ वीकनेस, हेडेक, लेथार्जी, हीमोग्लोबिन उसकी कम हुई हुई है। व्हाट विल बी द कॉज, व्हाई शी हैज़ डेवलप्ड दिस प्रॉब्लम एंड हाउ विल यू मैनेज। सो इसमें मैंने जस्ट आपको एक यूक्यूज़ का आइडिया दिया है कि उन्होंने आपसे किस तरह से स्नैरियो में पूछा होता है आयरन डेफिशिएंसी का, और हाउ मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक कॉमन इन क्वेश्चंस क्या, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट, रिस्क ऑफ द एनीमिया टू मदर एंड फीटस, डीडीज पूछ लेंगे। इसके अलावा वो पूछ लेंगे कि मतलब क्यों हो गया इसको, ये मतलब कॉज क्या है एनीमिया का, ठीक है। तो हमारी जो फोकस होगा ना इसमें यही होगा, यही क्वेश्चंस भी होगा। सो डेफिनेशन क्या है एनीमिया की, कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, एंड हीमेटोक्रिट जो है वो 33% से कम हो जाए, तो दैट विल बी लेबल्ड एज एनीमिया। जैसे अभी आपने सिनेरियोस देखे तो आपको नज़र आ रहा था कि हीमोग्लोबिन 7-8 इस तरह से आ रहा था, लेकिन देखें आप 7-8 मतलब ये भी एनीमिया है,
फिर 11 से कम है मतलब 10 है वो भी अनीमिया है, फिर 6 है वो भी अनीमिया है, किसी का 4 है वो भी अनीमिया है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि अनीमिया तो ये है लेकिन इनकी माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि माइल्ड केस में हमारी ट्रीटमेंट कोई और होगी, मॉडरेट में कोई और होगी, सीवियर में कोई और होगी। ठीक है, तो जैसे इन्होंने सबसे पहले माइल्ड का बताया हुआ है कि अगर 10 से लेकर 10.9 तक होगा तो दैट विल बी माइल्ड अनीमिया, अगर 7 से लेकर 10 तक होगा तो दैट विल बी मॉडरेट अनीमिया, अगर 6 to 7 होगा तो दैट विल बी सॉरी लेस देन 7 होगा तो दैट विल बी सीवियर अनीमिया, और अगर 4 से भी कम हो जाएगा तो दैट विल बी वेरी सीवियर अनीमिया। तो ये हमारी कैटेगरी है 10 to 10.9, देन 7 to 10, लेस देन 7 एंड लेस देन 4, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देन देखिए टाइप्स ऑफ अनीमिया होती हैं, न्यूट्रिशनल अनीमियाज होते हैं कुछ और कुछ हीमोग्लोबिन पैथीज होती हैं। लाइक न्यूट्रिशनल है तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, और अगर हम हीमोग्लोबिनोपैथीज की बात करें तो जिसको हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू रूल आउट भी किया था इन द सिनेरियो, एक सिनेरियो मैंने आपको दिखाया था, सिकल सेल हो सकता है या थैलेसीमिया हो सकता है। इसमें ये होता है कि देखें अब हमारी जो नॉर्मल डिमांड होती है एक हर केस में, बच्चे की कोई और आयरन की डिमांड होती है, अडल्ट की कोई और होती है, एक नॉर्मल फीमेल की जो मेंस्ट्रेटिंग फीमेल है उसकी कोई और होती है, लड़के की कोई और होती है मतलब बॉय की, इसी तरह जो प्रेग्नेंट फीमेल होगी या लैक्टेटिंग फीमेल होगी उसकी आयरन की डिमांड कुछ और होगी। ठीक है, तो ये होता है कि हम तो मतलब जो मेंस्ट्रेटिंग फीमेल होती है उसके अंदर तो उसकी डिमांड कोई और होगी, लेकिन जो प्रेगनेंसी के स्टेट है उसमें मेंसेस नहीं हो रहे, उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, तो इसमें क्या होगा कि प्रेगनेंसी आयरन रिक्वायरमेंट जो होगी वो कितनी होगी 1360, लेकिन वो मेंसेस की जो लॉस है वो तो उसमें हो नहीं रहा, तो सेव कितना है 360। तो ओवरऑल जो डिमांड होती है प्रेगनेंसी में इंक्रीज होती है वो 1000 मिलीग्राम्स होती है। अब आयरन डेफिशिएंसी के कॉजेज़ क्या हैं, डाइटरी कॉजेज़ हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन में मसला हो सकता है कि डाइट तो ठीक है आयरन की लेकिन एब्जॉर्प्शन में मसला है या उसका लॉस ज़्यादा हो रहा है। डाइट में कैसी डेफिशिएंसी है, लाइक वो डाइट में ले ही नहीं रही, या फिर डाइट में ले तो रही है लेकिन पाइका मतलब नॉन एडिबल फूड्स खा रही है, मिट्टी खा रही है, देन आयरन एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स ले रही है, मतलब आयरन डाइट में तो ले तो रही है लेकिन वो साथ में टैनिंस लाइक चाय के साथ कॉफ़ी के साथ खाना खा रही है, तो उसकी आयरन की जो है वो बेशक वो इनटेक हो रही है लेकिन इनहिबिटर्स ले रही है ओरली। डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे हो सकती है कि वर्म इन्फेस्टेशन में वर्म्स जो होते हैं वो आयरन खुद लेना शुरू कर देते हैं, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसकी वजह से। MEBSs या GRDSs में भी यू नो दैट मैलन्यूट्रिशन हो जाती है मोस्टली GRDSs में। देन आयरन लॉस ज़्यादा है लाइक रिपीटेड प्रेगनेंसीज, जैसे बहुत सी मल्टी पैराज हमने देखी सिनेरियोज़ में, मिसकैरेजेस हैं सॉरी मिसकैरेजेस कह रही हूँ, मेनोरेजिया है, ये एक हद से ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन आपके पास फीमेल्स आ सकती हैं नॉन प्रेगनेंट हैं लेकिन मेनोरेजिया के साथ, शिस्टोसोमियोसिस या हेमरॉइड्स, शिस्टोसोमियोसिस में भी लॉस ज़्यादा होता है, हेमरॉइड्स में भी लॉस ज़्यादा होता है। देन आता है सिम्टम्स यू नो दैट वीकनेस, फटीक, एपेटाइट कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशंस। साइंस क्या होंगे हम नोट करेंगे, पैलर होगी फीमेल, दिस इज़ आर के हम एग्जामिनेशन करें, हैंड्स को देखेंगे पेल होंगे अपने साथ कंपेयर करके, आईज़ को देखेंगे कहाँ पे देखेंगे आईज़ के जो कंजक्टाइवा पे, ठीक है पेशेंट को कहेंगे छत की तरफ देखें और फिर नीचे कंजक्टाइवा पे देखेंगे तो पेल होंगी आँखें, देन ज़ुबान पे देखेंगे पेल होगी। तो फिर क्या है सिस्टलिक मर्मर इन द माइट्रल एरिया, मतलब कि हम जो है वो हार्ट को देखेंगे,
इन्वेस्टिगेशंस में यू नो दैट हम सबसे पहले CBC करवाते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो है वो 11 से हमें कम मिल जाता है। फिर हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेते हैं, तो उसमें हमें माइक्रोसाइटोसिस और हाइपोक्रोमिक अनीमिया मिलता है, सेल्स मिलते हैं। फिर ट्रांसफेरिन सैचुरेशन करवाते हैं तो वो हमें कम मिलती है, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन जो है वो हमें कम मिलेगी। देन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC जो है वो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, देखें आयरन कम हो गई है ना तो अब TIBC बढ़ जाएगी। TIBC क्या होती है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, के जो फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके साथ आयरन अटैच नहीं होगी, आयरन है ही नहीं है तो फ्री मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे ना, तो ट्रांसफेरिन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, TIBC बढ़ जाएगी। देन प्रेग्नेंट स्टेट में जो एनीमिया होगा वो हमें मिलेगा, फेरेटिन लेवल जो है फर्स्ट टेस्ट होता है जो एबनॉर्मल होता है कि स्टोरेज ऑफ आयरन जो है, स्टोर्स जो आयरन के हैं वो कम हो जाएंगे। RBC इंडिसेस करवाएंगे, फिर हम मतलब CBC करवा ली हमने, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर ले लिया, TIBC करवा ली, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन हमने करवा ली, फेरेटिन लेवल चेक करवा लिया। नाउ वी विल गो थ्रू द मतलब वी विल डू द RBC इंडिसेस, जिसमें वी विल डू द MCV, MCH एंड MCHC जो कि तीनों ड्रॉप किए होंगे। MCV जो है इट इज़ अ फर्स्ट टाइम ड्रॉप। देन बोन मैरो एस्पायरेट हम ले सकते हैं, ये इसमें नीडेड नहीं होता, बट वी विल व्हेन वी विल बी सस्पेक्टिंग द काला आजार और द एप्लास्टिक एनीमिया, देन वी विल गो थ्रू दैट। एप्लास्टिक एनीमिया में ऑब्वियसली हमें CBC में प्लेटलेट्स भी कम मिल रहे होंगे, RBCs मतलब एनीमिया भी मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोम्बिनिया भी मिलेगा, तो फिर हम एप्लास्टिक एनीमिया सस्पेक्ट करेंगे एंड वी विल गो टू द बोन मैरो एस्पायरेट। इसी तरह काला आजार जो लिशमेनेसिस होता है उसमें भी एनीमिया होता है पेशेंट को, साथ में हेपेटोमेगैली वगैरह स्प्लीनोमेगैली होगी और इस तरह से बच्चे आएंगे और एपिडेमिक एरिया से, तो फिर हम बोन मैरो स्पायरेट लेंगे। एंड स्टूल एग्जामिनेशन वी विल क्यों करवाएंगे कि हमने इसका कॉज पर है वर्म इन्फेस्टेशन, तो हम उसको रूल आउट करने के लिए कि कोई स्टूल में कोई ओबा या सिस्ट तो नहीं है। फिर यूरिन एग्जामिनेशन फॉर द रिकरेंट UTIs एंड शिस्टोसोमियोसिस, बिकॉज वी डिस्कस्ड अबाउट कि आयरन लॉस इन चीज़ों में बहुत होता है। सो मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द सिवेरिटी ऑफ एनीमिया, ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन एंड द कॉम्प्लिकेशंस, फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा प्रीविया। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि हम हीमोग्लोबिन लेवल जो ड्रॉप हुआ हुआ है उसको हम सेट करें और आयरन स्टोर्स जो हैं उनको पूरा करें। तो वी हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, वी हैव ओरल आयरन थेरेपी, वी हैव द पारेंट्रल आयरन थेरेपी, वी हैव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। आयरन थेरेपी में जो है हमारा क्या एम होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए और आयरन के स्टोर्स ठीक हो जाएं, तो उसमें वी हैव द ओरल आयरन थेरेपी, जिसमें हम ओरल कब देते हैं जब जेस्टेशन जो है वो 28 वीक से कम हो, माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया है, मीन्स दैट के या तो 10 से 10.9 तक है या 7 से 10 तक है, मतलब 7 से लेकर 10.9 तक अगर हीमोग्लोबिन होगा तो वी विल गो थ्रू द मतलब हम क्या देंगे, वी विल गिव द ओरल आयरन थेरेपी और हम देखेंगे 28 वीक्स से जेस्टेशन से कम है, तो फिर हम ओरल आयरन थेरेपी देंगे, जिसमें हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट। फिर आता है पारेंट्रल आयरन, पारेंट्रल आयरन कब देंगे जब 28 वीक से ज़्यादा है, तो 28 वीक से कम है तो ओरल आयरन थेरेपी, 28 वीक से ज़्यादा जेस्टेशन है तो पारेंट्रल, लेस देन 28 वीक्स व्हेन ओरल आयरन इज़ इनफेक्टेड तो हम फिर 28 वीक्स, अगर 28 वीक से कम है तो फिर हम जो है वो अगर ओरल से फ़ायदा नहीं हो रहा मतलब कि वो सीवियर केस है तो फिर हम पारेंट्रल देंगे। फिर पारेंट्रल में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम इंट्रा मस्कुलर दे सकते हैं या इंट्रा वीनस दे सकते हैं। इंट्रा मस्कुलर जो है उसमें ये है कि पहले हम 50 मिलीग्राम देते हैं और फिर हम 100 मिलीग्राम देते हैं डेली आयरन, सॉर्बिटोल सिट्रेट जो आउटर बटक क्वाड्रेंट होता है उसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं इंट्रा मस्कुलर, पहले 50 mg फिर 100 mg।
आईवी में क्या है, वी हैव टू ऑप्शंस, आयरन डेक्सट्रोज या आयरन सुक्रोज। आयरन डेक्सट्रोज में वी हैव द इम्फेरॉन, आयरन सुक्रोज में वी हैव द वेंटफर मीनोफर। दूसरा ऑप्शन वी हैव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कब देंगे, जब सिर्फ हीमोग्लोबिन जो है उसको हमने ठीक करना है, मतलब कि इतना ज़्यादा एकदम से आयरन लॉस हो गया है कि अब हमने जल्दी से हीमोग्लोबिन के लेवल को ज़्यादा करना है, बहुत सीवियर मतलब कि 4 से भी कम है, एक्सेसिव हेमरेज हो गया, लाइक पोस्टपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह, ये 36 वीक्स से ज़्यादा है। तो 28 वीक्स से कम है तो ओरल आयरन थेरेपी, 28 वीक्स से ज़्यादा है तो पारेंट्रल, और अगर 36 वीक्स से ज़्यादा है तो फिर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है डिपेंडिंग अपॉन सीवियर एनीमिया, एक्सेसिव हेमरेज। हाउ टू चेक रिस्पॉन्स कि हमारी ट्रीटमेंट का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, तो हम रेटिकुलोसाइट काउंट करवाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं तो 7 to 10 डेज के अंदर रेटिक्यूलोसाइटोसिस होना शुरू हो जाती है, तो हमें हम रेटिक्यूलोसाइट काउंट करवाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, अगर पेशेंट को हमने देखा कि हमने स्टूल एग्जामिनेशन करवाया, हमें वॉर्म्स इन्फेस्टेशन के साइंस मिले, सिस्ट या ओवा मिले, तो हम एबेंडाजोल देंगे साथ में 400 मिलीग्राम्स। अगर हमें पता चला कि पेशेंट को मलेरिया की वजह से आयरन डेफिशिएंसी हुई है तो हम एंटी मलेरियल थेरेपी स्टार्ट करवाएंगे, और अगर हमें पता चला कि यूटीआईज़ की वजह से, शिस्टोसोमियासिस की वजह से हुआ, यूटीआईज़ की वजह से, तो हम एंटीबायोटिक्स भी साथ में देंगे। प्रोफाइलेक्सिस, आयरन सप्लीमेंट्स हम देते हैं 30 to 60 मिलीग्राम्स डेली फॉर 2 to 4 मंथ्स विद नॉर्मल आयरन स्टोर्स, तो 2 to 4 महीने के लिए रोज़ाना 30 to 60 mg की आयरन देंगे। अगर आयरन स्टोर्स ख़त्म हो गए हैं तो फिर हम डबल कर देंगे, डबल से भी डबल, 120 to 240। तो नॉर्मल क्या है, 30 to 60, यहाँ पे हमने 120 to 240 करना है फॉर 6 मंथ्स इन प्रेगनेंसी, 3 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी। फिर इन्फेक्शंस को ट्रीट करना है और मदर को डाइट्री एडवाइस करनी है कि आयरन की जो फूड्स हैं, आयरन टेकिंग, उनको लेना है साथ में, और अपना ख्याल रखना है, इन्फेक्शन से बचना है। इट इज़ अ कॉमनेस्ट मेडिकल डिसऑर्डर, 29.9% वुमेन बिटवीन 15 to 49 ईयर्स जो हैं ये अफेक्टेड होती हैं अकॉर्डिंग टू WHO। एंड पाकिस्तान में जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं अकॉर्डिंग टू 2019 44% सफ़र फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमियाज, इटियोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू ब्लड लॉस ड्यू टू एक्यूट और क्रॉनिक, इम्पेयर्ड प्रोडक्शन ऑफ RBCs विच इंक्लूड द एबनॉर्मल बोन मैरो प्रॉब्लम्स, फैक्टर डेफिशिएंसीज, देन द एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन लाइक तो RBCs की डिस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, या एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर में वी हैव द स्प्लीन प्रॉब्लम है, इस तरह से। सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस कर लिया इसका। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने बताया 1000 mg एवरेज चाहिए होता है, फीटस एंड प्लेसेंटा को 500 चाहिए होता है, एक्सपेंशन ऑफ रेड सेल मास 500 mg, लॉस एट डिलीवरी 180 होता है, लैक्टेशन में 180, तो टोटल 1360। तो अमाउंट ऑफ आयरन सेव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एमेनोरिया कितना है, 360। वो 1360 जो हमने डिस्कस किया था ना, वो दरअसल इस तरह से आता है कि फीटस एंड प्लेसेंटा, एक्सपेंशन ऑफ रेड सेल मास, लॉस एट डिलीवरी एंड लैक्टेशन, तो टोटल उतना होता है, उसमें से हम माइनस करते हैं एमेनोरिया का जो सेव होता है 360, तो वो हमारा आ जाता है 1000। डेली आयरन रिक्वायरमेंट्स अर्ली प्रेगनेंसी में 4 मिलीग्राम्स पर डे होता है, और एट टर्म 6.6 मिलीग्राम्स पर डे होता है। कॉजेज हमने डिस्कस कर लिए हैं, डाइट में प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स ले रहे हैं लाइक ये सारे, वॉमिटिंग के थ्रू भी लॉस हो सकता है, आयरन एब्जॉर्प्शन में मसला है ये हमने देख लिया, इंक्रीज आयरन लॉस हो रहा है ड्यू टू दीज कॉजेज, मलेरिया, शिस्टोसोमियोसिस, हुकवॉर्म इन्फेक्शंस, मेनोरेजिया, रिपीटेड प्रेगनेंसीज, ब्लड लॉस हिमोरॉइड्स के थ्रू, क्रॉनिक इलनेसेस चल रही हैं लाइक दीज, उसकी वजह से
क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं. आयरन डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया एंड डिक्रीज टिश्यू और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. और फिर जो है सेल्स इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं. साइंस में ये हमने नोट कर लिया, नेल्स को एंगुलर स्टेमोसाइसिस, ग्लोसाइटिस जो है ये ज़्यादातर वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी की, और कोलिनोर्किया आपने ज़रूर नोट करना है नेल्स का. इफेक्ट्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी और मदर क्या होता है ये हमारा क्वेश्चन रह गया था. मेटर्नल मॉर्बिडिटी ज़्यादा हो जाती है, प्री टर्म लेबर, पोस्टपार्टम हेमरेज, प्यूपुरल सेप्सिस हो सकती है, फेल लैक्टेशन हो सकती है, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, NSR का होता है, कार्डिक फेलियर विच लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा एंड मेटर्नल मोर्टेलिटी इस वजह से होती है. और फीटल के ऊपर क्या इफेक्ट आता है कि जो है प्रीमेच्योर होगा बेबी, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज होगा, अनीमिया इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ बच्चे को भी होगा, उसका IQ कम हो जाएगा और पेरीनेटल मोर्टेलिटी का भी रेट ज़्यादा होगा. डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करेंगे और पेरिफेरल ब्लड पिक्चर. हीमोग्लोबिन हमें कैसा पेरिफेरली नज़र आएगा हम नोट करेंगे, माइक्रोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिक एनीमिया, एनीजियो पोलियोसाइटोसिस, टारगेट सेल्स. ठीक है, सीरम फेरेटिन लेवल जो है वो आयरन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ट्रांसफेरिन सैचुरेशन है ये हम डिस्कस कर चुके हैं. सीरम आयरन लेवल अगर 60 से कम हो जाए तो आयरन डेफिशिएंसी इंडिकेट करती है. TIBC अगर ज़्यादा हो जाए 350 से ज़्यादा तो आयरन डेफिशिएंसी होती है. बोन मैरो का हम क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था कि जो है हम एप्लास्टिक एनीमिया के केस में और काला आजार के केस में करते हैं. स्टूल एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन, पेरिफेरल ब्लड स्मियर फॉर मलेरियल पैरासाइट्स, स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर द TB, क्रॉनिक इन्फेक्शंस के लिए, रीनल डिजीज़ के लिए, RFTs, LFTs. मैनेजमेंट में डायग्नोसिस, हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशंस. ट्रीटमेंट में इस्टेब्लिश करेक्ट द प्रॉब्लम. डाइटरी एडवाइस में ये है कि रिकमेंडेड डेली इंटेक कितना है, 30 mg है, तो कौन सी मीट, ठीक है, गोश्त खाएं, मछली खाएं, अंडे खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, बीन्स खाएं, इनहिबिटर्स कम करें, चाय वगैरह कम करें, कैल्शियम ना लें, कैल्शियम को आयरन के साथ सप्लीमेंट्स इकट्ठे ना लें, टी विद मील्स ना करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, ये डाइटरी डेफिशिएंसी होती है, एडवाइस होती है. ओरल आयरन जो है इतना होता है, साइड इफ़ेक्ट्स इसके कुछ होते हैं जिसकी वजह से पहले स्मॉलर डोजेस लेते हैं और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करते हैं. रेटिकुलोसाइट काउंट इम्पॉर्टेंट याद रखना है. पारेंट्रल आयरन इंडिकेशंस क्या हैं, जब ओरल आयरन से ना फ़र्क पड़ा हो या फिर ओरल आयरन थेरेपी के फायदे नुकसान होते हो जाए, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये हैं कि हमने कब नहीं देना IV थेरेपी. इसमें IV में क्या होता है, सुक्रोज, डेक्सट्रान, सॉर्बिटोल. ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स इंडिकेशंस व्हेन ओरल और पारेंटरल थेरेपी फेल्स 36 वीक के बाद, एक्सेसिव हेमरेज. तो ये बहुत अच्छी है कि 30 वीक से कम है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो ओरल आयरन थेरेपी करेंगे, ठीक है. अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर इंट्रामस्कुलर और IV करेंगे. अगर 30 to 36 वीक्स का है, मतलब 28 वीक्स का हमने देखा था, तो फिर हम पारेंटरल थेरेपी ही करेंगे जिसमें वी हैव द अगेन टू ऑप्शंस. अगर प्रेगनेंसी 36 वीक्स से ज़्यादा है तो फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. उसकी हमने केयर कैसे करनी है ये सारी. अच्छा, फिर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, फोलेट डेफिशिएंसी, इसमें हम डायग्नोसिस करते हैं ब्लड फिल्म, रेड सेल फॉलेट, बोन मैरो बायोप्सी. कॉम्प्लिकेशंस ट्रीटमेंट छोड़ दें. वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है, इसमें हम डाइट अच्छी करते हैं, इंजेक्शन देते हैं वाइटामिन B12 का वंस पर वीक और ओरल नेजल जेल देते हैं. सो UQs में देखें वही है कि हम इसकी डायग्नोसिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करेंगे. इन्वेस्टिगेशन हम कर चुके हैं, CBC, फेरेटिन, TIBC, आयरन लेवल, पेरिफेरल ब्लड स्मियर ले लेंगे और RBC इंडिसेस करवा लेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें. फिर मैंने और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन फॉर द स्टूल हो गया, RFTs, LFTs करवा लिए, ब्रोन मैरो करवा लिया,
वो जो मैंने आपको बताई थी। मैनेजमेंट में क्या है कि देखें 26 वीक्स है ना, तो 28 वीक्स से पहले पहले में ओरल थेरेपी देते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट। अगर जो है वो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो पारेंट्रल दे देंगे, अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा और सीवियर एनीमिया है तो फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे देंगे और ट्रीट करेंगे एसोसिएटेड कॉजेज़। ये आपने ज़रूर लिखना है, कॉजेज़ ट्रीट करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं जिनको हमें ट्रीट करना होता है, ठीक है। एंड देन इज दिस वाला क्वेश्चन के जिसमें इन्होंने 25 इयर्स वाला है, इसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज होगा। इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। देन ये वाला भी इसमें मैनेजमेंट पूछी हुई है, वो भी हमने कर ली, वही मैनेजमेंट है। इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट लॉन्ग आप लिख देंगे। फिर वी हैव दिस वन, ये वाला क्वेश्चन है ग्रेविटर 2 वाला, इसमें भी इन्होंने डायग्नोसिस डीडीज़ पूछे हुए हैं। इसमें आप सारे डीडीज़ लिख लेंगे जो पी एनीमिया के होते हैं ना, वो अपने कॉजेज लिख देने हैं। फिर व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू एडवाइस हर, तो इन्वेस्टिगेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। रिस्क ऑफ एनीमिया टू द फीटस क्या है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, प्री टर्म बर्थ, लो आयरन स्टोर्स, मतलब उसको पहले 3 महीने में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर कॉग्निटिव इफेक्ट, डिसफंक्शन, मदर को क्या है, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर हो सकते हैं, मदर को इन्फेक्शन हो सकते हैं, प्री क्लैम्पशिया हो सकता है, मेटर्नल मोर्टेलिटी, पल्मोनरी वो जो सकार्डिक फेलियर वगैरह उसके थ्रू, और फिर मैटरनल मोर्टेलिटी और हेमरेजेस हो सकते हैं। देन जो है वी हैव दिस, मतलब ये वाला क्वेश्चन देखें कि इसमें भी उन्होंने पूछे हुए हैं कि व्हाई शी डेवलप दिस प्रॉब्लम। एक तो मैलन्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, मल्टीपैरिटी की वजह से, क्योंकि ये ग्रेविटर 6 है और आयरन इनटेक डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रेमेस्टर, सेकेंड ट्रेमेस्टर, और मेनोरेजिया की वजह से वर्म इन्फेस्टेशन, मतलब ये कॉजेज आपने लिख देने हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो है ना ग्रेविटा मतलब ज़्यादा है ना, उसकी वजह से हो सकता है, बाकी कॉजेज आप लिख सकते हैं। मैनेजमेंट जो है इसकी वही होगी सेम, ठीक है। 28 वीक्स है ना, तो इसमें हम ओरल सबसे पहले देंगे, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो पारेंट्रल, और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसकी मैनेजमेंट इस तरह लिख देंगे, ट्रीट द कॉज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनीमियाज इन प्रेगनेंसी।